हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, अभी अभी का जो सिचुएशन में सभी का गर्मी को क्या रहता है, जो एसी रहता है, जो फैन रहता है, अभी सभी का गर्मी जो हम लोग को एयर कंडीशनर हम लोग को यूज करता हूँ, क्यों ना हम लोग को यूज करता हूँ, जो आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्यों बोलने से हम लोग को नेचुरल में जो कुछ चीज़ है वो हम लोग को धीरे धीरे हम लोग को वो डिस्टर्ब करते रहता हूँ, इसलिए जो आउटसाइड का टेम्परेचर ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, वो 10 साल का पहले नहीं तो 15 साल का पहले आप खाली जो फैन चालू करने से आप लोग को थोड़ा अच्छा से आप फील करेगा, कंफर्ट फील करेगा, मतलब हम अच्छा है बोल के आप लोग को फील करेगा, लेकिन अभी का टाइम में ऐसा तो नहीं है। जो फैन घूमने से भी आपको बहुत पसीना जो निकलता है, इसका कारण क्या है, हम लोग को जो नेचुरल का जो चीज़ है हम लोग को डिस्टर्ब करते रहता हूँ, जो क्या मैं बोलने के लिए आ रहा हूँ आपको समझ होगा लगता है। ठीक है, अभी जो कुछ अभी आपका जो घर पे बहुत एक्सपेंसिव वाला जो अप्लायंस आप देखने से कम जो एसी रहेगा, ठीक है, जो एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को स्टेबलाइजर यूज करना है कि नहीं करना, सो उसका बारे में आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। उसका पहले अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में एक बेल बटन भी हुआ था उसको दबा दीजिए, अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अंदर चलेंगे। अभी स्टेबलाइजर हम लोग को इंस्टॉल करना है कि नहीं करना, उसका बोलने का पहले स्टेबलाइजर का मतलब क्या, उसका फंक्शन क्या बोल के हम लोग को पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, स्टेबलाइजर मतलब क्या है, वो तो इनपुट वोल्टेज मतलब आपका जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज को नहीं तो आपका पावर सप्लाई वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, नहीं तो स्टेबलाइज करने के लिए जो स्टेबलाइजर जो यूज करता है। ठीक है, जो स्टेबलाइज करके आपको लोड को देगा। स्टेबलाइजर मतलब क्या है, जो आपका इनपुट वोल्टेज को स्टेबलाइज करके नहीं तो रेगुलेट करके आपका लोड को जो देता है, इसका वही स्टेबलाइजर का जो काम है। अभी स्टेबलाइजर आप मान लीजिए मेरे पास एक स्टेबलाइजर है, उसका लिमिट आप मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मेरा उसका इनपुट 150 टू 250, जो इनपुट वोल्टेज 150 टू 250, उसका आउटपुट है ना, जो स्टेबलाइजर का आउटपुट 200 से 250 बोल के 230 बोल के मान लीजिए, 240 बोल के मान लीजिए। ठीक है, 150 टू 250 इसका इनपुट, वो आउटपुट क्या है 200 टू 240, इसका मतलब क्या है, जो कुछ इसमें इनपुट में जो कुछ वोल्टेज जो वेरी होने से आउटपुट में ऐसा जो वोल्टेज जो वेरी होगा, मतलब कांस्टेंट में वो जो नहीं देखा जो स्टेबलाइजर, लेकिन 200 से 240 तक उसका अंदर से जो लिमिट को जो मेंटेन करने के लिए वो कोशिश करेगा। ठीक है, जो स्टेबलाइजर में अभी मान लीजिए कट ऑफ उसमें होता है, कट ऑफ मतलब क्या है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज आएगा तो जो कट ऑफ करेगा, कट ऑफ करेगा मतलब अभी मान लीजिए जो स्टेबलाइजर एक इन्वर्टर को जो लगाता है, ठीक है, इन्वर्टर का जो पहले हम लोग को स्टेबलाइजर लगाता हूँ, स्टेबलाइजर हम लोग को लगा दिया, अभी क्या है, अभी हाई वोल्टेज आ रहा है, हाई वोल्टेज आएगा तो क्या हो जाएगा, 250 का ज्यादा जो वोल्टेज रहेगा, फिर क्या करेगा, जो वो स्टेबलाइजर जो आउटपुट को कट ऑफ करेगा, मतलब आपका लोड को जो वोल्टेज है वो नहीं देगा, जो जीरो कर देगा, जीरो करने से आपका इक्विपमेंट जो प्रोडक्ट हो जाएगा जो कुछ हाई वोल्टेज आएगा, तो मतलब स्टेबलाइजर आप यूज करने से हाई वोल्टेज कट ऑफ रहता है, लो वोल्टेज कट ऑफ ही रहता है। अगर आपका जो इनपुट वोल्टेज थोड़ा लो हो गया, मतलब 150 का नीचे हो गया बोल के मान लीजिए, फिर उसमें भी आपका लो वोल्टेज कट ऑफ ही रहता है, इसका कारण से आपका इक्विपमेंट लो वोल्टेज हाई वोल्टेज आई मीन अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज में आपका इक्विपमेंट को जो प्रोडक्ट करने के लिए स्टेबलाइजर जो काम करता है। ठीक है, अभी कुछ आपको आइडिया आया होगा लगता है। फिर सर्ज मतलब सर्ज नहीं तो ट्रांसिएंट वोल्टेज मतलब क्या है, वो सडन इंक्रीज इन वोल्टेज एंड करंट वी कॉल्ड एज ए सर्ज। ओके, जो सर्ज का बारे में, सर्ज मतलब क्या, सर्ज प्रोडक्ट डिवाइस मतलब क्या है, टीवीएसएस मतलब क्या है, सब कुछ बारे में हम लोग एक वीडियो पहले जो डाल दिया था उसका लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लीजिए। ऐसा पावर सर्ज भी आएगा तो ये क्या है, वो वोल्टेज को अलो नहीं करेगा, वो कांस्टेंट वोल्टेज को जो मेंटेन करके आपको कांस्टेंट वोल्टेज मतलब विद इन जो लिमिटेड वोल्टेज में वो मेंटेन करके आपको जो लोड को देगा। ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज पावर से सभी का जो प्रॉब्लम से जो प्रोडक्ट करेगा। फिर ठीक है, अभी आई जो अभी एक आदमी हमारा जो यूट्यूब फैमिली में जो एक दोस्त है जो क्या पूछा था, जो हम लोग को इन्वर्टर एसी हम लोग को यूज करता हूँ लेकिन वो स्टेबलाइजर फ्री है, हम लोग को फिर जो स्टेबलाइजर लगाना है कि नहीं लगाना बोल के जो पूछा था, कम से आप जरूर जो स्टेबलाइजर लगाना है, क्यों बोलने से अभी इनबिल्ड में जो आ रहा है ना जो स्टेबलाइजर, वो तो उतना जो अच्छा से काम नहीं करेगा, उसी में एक एमओवी बोल के एक कॉम्पोनेंट जो होता है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर बोल के एक कॉम्पोनेंट होता है, वो कॉम्पोनेंट क्या करेगा, जो कुछ वोल्टेज द्वारा ज्यादा वोल्टेज स्पाइक जो आएगा तो वो क्या करेगा, जो एमओवी ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा मतलब क्या है,
जो आपका वोल्टेज को अलो नहीं करेगा। लेकिन कोई कोई जगह पे जो एमओवी काम नहीं बराबर काम नहीं करता है, उसका कारण से क्या है आपका वो जो एसी टोटली एसी का जो पीसीबी बोर्ड है ना वो जो अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये वो ऐसा वाला चीज नहीं होना चाहिए। अगर आपका एमओवी जो खराब हो गया तो जो आप इलेक्ट्रिशियन को नहीं, मतलब आपका जो एक्सपर्टाइज पर्सन को आप बुलाने से वो आके जो ठीक करके आप लोग को दे देगा। लेकिन जो एमओवी छोटा अमाउंट आएगा लेकिन वो क्या बताएगा, टोटल पीसीबी बोर्ड जल गया बोल के आप लोग को क्या है ब्लेम करा है, ब्लेम करने के लिए जो बहुत चांसेस है। सो इसलिए जो इवन दो ये तो फ्री स्टेबलाइजर आपका जो एसी में जो होने रहने से भी आप क्या करना है, स्टेबलाइजर लगाना है। स्टेबलाइजर लगाने से आपका क्या है आपका इक्विपमेंट को बहुत अच्छा है, ठीक है। जो स्टेबलाइजर तो ज़्यादा जो एक्सपेंसिव नहीं है, आपको मन में 3,000 से 4,000 का अंदर तो अच्छा वाला ब्रांडेड वाला स्टेबलाइजर आप लगा सकता है, थोड़ा लगा दीजिए। फिर अगर एक आदमी पूछेगा सर मैं एक एक इक्विपमेंट के लिए जो स्टेबलाइजर लगाने के बदले में जो मेन सप्लाई जो आ रहा है उसमें जो बड़ा वाला मेन स्टेबलाइजर में डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है कि डाल सकता है बोल के पूछ सकता है। कम से कम आपका जो अमाउंट ज़्यादा है आपका सभी का इक्विपमेंट को आप प्रोडक्ट करना बोल के आप सोचने से आप मेन स्टेबलाइजर आप लगा सकता है। वो स्टेबलाइजर सभी इक्विपमेंट को जो ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज पर पावर सर्ज में तो प्रोडक्ट करेगा, लेकिन जो बहुत एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। आपका अभी इंडिया का जो पावर वोल्टेज में मतलब इंडिया का जो पावर वोल्टेज वेरिएशन देखने से कम आप लोगों को आपका इक्विपमेंट जो कुछ हाई एक्सपेंसिव जो इक्विपमेंट है उसको स्टेबलाइजर लगा दीजिए, लगाने से आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो अभी आपको कुछ आइडिया आया होगा लगता है, स्टेबलाइजर मतलब क्या, स्टेबलाइजर फंक्शन मतलब क्या, स्टेबलाइजर ये इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर कोई भी रहने से आप स्टेबलाइजर लगा दीजिए। इवन दो वो स्टेबलाइजर फ्री बोल के जो ब्रांडेड वाला जो मैन्युफैक्चरर वाला बोलने से भी आप स्टेबलाइजर लगाना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको कुछ डाउट रहने से कमेंट बस में कमेंट कीजिए, और दूसरा कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहिए तो कमेंट बस में कमेंट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ये वीडियो को लाइक करके आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।